एक वन में जाने के लिए कहते हैं, अनेकों अनेकों जीवन के जब भाग्य उदय होते हैं तब कोई व्यक्ति इन वनों में प्रवेश करता है। कई कई जन्मों के जब भाग्य उदय हो जाते हैं ना, तब कोई व्यक्ति इन वनों में प्रवेश करता है। तो आज आप लोगों का भाग्य उदय हो गया है, क्योंकि आज आप एक साथ दो वनों में प्रवेश करेंगे। तो हम सोच रहे थे पहले वन में जाके कथा करेंगे, परंतु वन में जाकर के आपसे सहन नहीं होगा, एसी बंद होते आधे लोगों का मूड ऑफ हो गया, तो सोचिए धूप में बैठा देते तो क्या होता, पूरे ऑफ हो जाता। इसलिए प्लान ये था कि कथा यहाँ करेंगे, दर्शन भाग में करेंगे। तो पहले वन जहाँ हम जाएंगे उसका नाम है ताल वन। टोटल जो 12 वन है उसमें से 7 वन यमुना के एक किनारे पे है और 5 वन यमुना के दूसरे किनारे पे। जो यमुना के उस पार है, मतलब ये यमुना भरी है सामने, इधर सोच लीजिए ये, इसके इस पार में जो है वो है मधुवन, बोलिए मेरे साथ में, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन, काम्यवन, खदीरावन, वृंदावन। ये यमुना के 7 वन इस पार है और 5 वन उस पार है जिसका नाम है महावन, लोहवन, भांडेरवन, भद्रावन, बिल्लवन, इसे बेलवन भी कहते हैं। तो इन काफी वनों में ऑलरेडी जो भक्त रेगुलरली आ रहे हैं वो जा चुके हैं। तो कहते हैं कि कोई इन वन में जाने की अभिलाषा भी उत्पन्न कर ले तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो सोचिए जाकर के क्या होने वाला है, जाकर के कृष्ण प्रेम प्राप्त होने वाला है। तो जो ये ताल वन है ये यमुना के इस पार पड़ता है और ये जो तालवन बहुत ही जिसे कहते हैं महत्वपूर्ण वन है। तालवन के बारे में कथा हम यहाँ श्रवण करेंगे और मधुवन के बारे में मधुवन में जाकर श्री कथा श्रवण करेंगे। तो तालवन जो है वहां पर एक राक्षस रहता था द्वापर युग के अंदर जिसका नाम था धेनु का असुर। तो जो धेनु का असुर था उसका रूप था गधे का। किसका रूप था? गधे का। सब लोग अपने को देख रहे हैं गधे का, आपका नहीं था गधे का, या फिर एक दूसरे को भी देख रहे हैं कुछ लोग खुद देख रहा था। तो मुझे आप कह रहे हैं तो अपने हाथ पैर देख रहा था, ठीक है। तो जो बलि महाराज हुए आपने नाम सुना होगा, प्रहलाद महाराज थे, प्रहलाद महाराज के वंश में उनके पुत्र हुए, क्या नाम था? विरोचन। विरोचन के पुत्र हुए बलि महाराज। बलि महाराज जो हुए जिन्होंने आत्मसमर्पण कर भगवान से कहा कि 3 पग भूमि में आप जो है चाहिए तो मांग लीजिए। आपने कथा सुनी है, उसमें नहीं जाएंगे विस्तार से। तो 3 पग भूमि मांग करके भगवान ने ब्राह्मण के छोटे से 2.5 फुट के ब्राह्मण बनकर भगवान ने 3 पग भूमि मांगी और अपने शरीर को इतना विशाल किया कि 3 पग में सारे ब्रह्मांडों को नाप लिया और 2 पग में ही, 3रा पग रखने के लिए जगह नहीं थी तो बलि महाराज ने कहा मेरे मस्तक पे रख दीजिए। तब भगवान ने उनका नाम आत्मसमर्पण नवदा भक्ति में कहा कि आत्मनिवेदन के अगर कोई उदाहरण है तो बलि महाराज। ऐसे बलि महाराज के 2 संतान थी, एक का नाम था रत्नमाला, लड़की थी, और दूसरे पुत्र हुए जिनका नाम था शहसिखा। क्या नाम था? शहसिखा। तो शहसिखा जो थे, शिखा होती है शहसिखा, तो शहसिखा जो थे ये और रत्नमाला जो थी वो भी बाद में असुर बनी और शहसिखा भी अपने दूसरे जन्म में असुर बने। रत्नमाला जो थी जब उन्होंने ब्राह्मण वेश में भगवान को देखा तो मन किया इतना सुंदर बालक है 2.5 फुट के रूप में, मन करता है इसको मैं अपना स्तनपान कराऊं। लेकिन जब उन्होंने अपना विशाल शरीर लिया तो क्या कहा भगवान ने, ओ रत्नमाला ने कहा देखो कितना पापी है, दुष्ट है, जिसने क्या किया मेरे पिता को छल से जीत लिया है, मन करता है जहर देके मार दूं इसको। ऐसा उसके मन में विचार भगवान ने कहा था दास, अगले जन्म में क्या बनाया? पूतना। स्तनपान कराने का मौका भी मिला और साथ में स्तन के ऊपर जहर लगाने का मौका भी मिला, जहर भी पिलाया दूध भी पिलाया और उनको स्तर क्या प्राप्त हुआ? मां का स्तर प्राप्त हुआ पूतना को। क्यों? क्योंकि वो प्रहलाद महाराज के वंश में उत्पन्न हुए हैं। तो एक वंश में अगर कोई एक भक्त हो जाए तो कहते हैं उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती है एक भक्त हो जाए। तो प्रहलाद के भक्त हो जाने से पूतना को भी भगवान ने क्या कहा? मां का स्थान प्रदान किया। और जो सहसिखा थे इनका अगला जन्म क्या हुआ? एक बार जब ये सहसिखा रूप में थे
तो गुफाओं में जैसे आप देखेंगे, अभी आज हम जाते हैं आदि बद्रीनाथ, केदारनाथ, वृंदावन में, ऐसी कोई चीज नहीं है इस वृंदावन में जो उपलब्ध ना हो। 33 करोड़ देवी देवता इसी वृंदावन की भूमि में भगवान कृष्ण के दर्शन पाने के लिए अभिलाषित रहते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरे मस्तक पर गोपियां अपने पैर रखें तो वो ब्रह्म पर्वत बन के बरसाना में पर्वत बनते हैं, मानगढ़, विलासगढ़, दानगढ़ बन जाते, 4 मुख हैं वहां पर। जब शिव जी के मन में आता है गोपियां मेरे मस्तक पे पैर रखें तो वो क्या बन जाते हैं, नंदीश्वर पर्वत नंदगांव के बन जाते हैं। जब उनके मन में आता है काश विष्णु जी कहते हैं कि मैं भी भगवान कृष्ण की सेवा में लगूं तो वो गोवर्धन पर्वत बन जाते हैं। भगवान की पत्नी कालिंदी यमुना, जब उनका मन होता है कि मैं भी भगवान की सेवा में लगूं तो वो जल रूप लेकर के वृंदावन में प्रवेश करती है, और जो भगवान जिस स्थान में खड़े होते हैं उस स्थान के एक टुकड़े को अपने गोलोक धाम से नीचे भेजते हैं, वो बन जाता है व्रजमंडल धाम। तो यहाँ पर सब कुछ भगवान के धाम से आकर के सेवा करते हैं। अनेकों देवी देवता भगवान की सेवा करने के लिए बहुत ही ज्यादा अभिलाषित रहते हैं। तो कई गुफाएं यहाँ पर, कई लोग चले जाते हैं बद्रीनाथ, ऊपर जा रहे, चढ़ते चले जा रहे, उल्टियां कर रहे, कहाँ जाए बद्रीनाथ धाम, जय बद्रीनाथ, जय बद्रीनाथ। और बद्रीनाथ कहाँ से, यहाँ से ही प्रकट होकर वहां गए। केदारनाथ कहाँ से गए, वृंदावन से प्रकट होकर गए। और आपको विश्वास नहीं होगा, आप जब वृंदावन के अंदर बद्रीनाथ जाएंगे, केदारनाथ जाएंगे, आपको लगेगा अरे इतना ठंडा मौसम वृंदावन के अंदर, तो यहाँ पर सब कुछ है। ऐसा कोई तीर्थ नहीं, ऐसा कोई धाम नहीं जो वृंदावन में नहीं हो। रामेश्वरम है, जगन्नाथपुरी है, द्वारका है, सब कुछ, क्योंकि वृंदावन से ही सारी चीजें निकलती, प्रकट होती, ये मेन बेस है, रूट है। तो ऐसे वृंदावन के अंदर 12 वनों में काफी सारी गुफाएं हैं। तो एक बार दुर्वासा ऋषि बैठे थे और अपने ध्यान मग्न थे दुर्वासा ऋषि। तो भी ये शहर शिखा वहां पहुंच गए और जाकर के क्या किया, उनको डिस्टर्ब करने लगे, उनको थोड़ा सा, जैसे कहते हैं हम जप कर रहे हैं और सामने वाला आकर हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, है ना। जैसे कथा चलती है उसमें कई लोग सो जाते हैं, कई लोग घुटने घुमाते रहते हैं, तो कथा सुनने वाला, साइड वाला या फिर जो बोलने वाला है वो डिस्टर्ब होता है। तो ये इस तरह से दुर्वासा ऋषि भी डिस्टर्ब हो गए और उन्होंने श्राप दिया कि गधे के रूप में तूने मुझे परेशान किया तो गधा हो जा। और वो गधा बन के सहसिका बलि महाराज का पुत्र क्या बना, धेनु का। सोचिए, ऐसा नहीं है कि अगर माता पिता भक्त हैं तो बच्चे भक्त ही बनेंगे, संस्कार दे सकते हैं पर ये आपके हाथ में नहीं है कि वो भक्त बनेंगे। शूरसेन, राजा शूरसेन जो थे, उनके घर में कंस जैसा, उग्रसेन के घर में कंस जैसा पुत्र हुआ, हिरण्यकश्यप के घर में प्रहलाद जैसा भक्त हुआ, प्रहलाद के घर में विरोचन हुए और विरोचन के घर बलि महाराज, और बलि महाराज के घर में रत्नमाला और सहसिका, जो पूतना और देने का असुर बने। तो कुछ नहीं कह सकते कब क्या होगा, संस्कार आपके हाथ में, पर आपके बच्चा भी असुर बन सकता है। तो आज के जमाने में तो बहुत आसान है असुर बनना, टेलीविजन बहुत आदमी हेल्प करता है, कई प्रकार से असुर बनने में हमारी मदद कर रहा है। तो इस तरह से 12 वनों में से जो वन है ताल वन, वहां पर कंस का एक दूत धेनुकासुर जो कि राक्षस था और बहुत शक्तिशाली था, अनेकों गधे जो थे उसकी शरण में रहते थे और उस ताल वन की रखवाली करते थे। ताल वन में अभी तो वृक्ष बहुत कम है पर वहां ताल फल के वृक्ष होते थे, और ताल फल कैसा होता है, अगर उसको पीस कर आप पियोगे उसकी इतनी सुगंध होती है कि दूर दूर तक वृंदावन तक उस ताल वन की खुशबू आती थी। तो सारे ग्वाल बाल सोचते थे कि हम भी जाएंगे ताल वन में और वहां जाकर ताल फल खाएंगे, परंतु ताल फल खाने के लिए तो धेनुकासुर की एंट्री में जाना पड़ेगा, और धेनुकासुर ने तो कड़ा पहरा लगाया है क्योंकि कंस ने कहा है कि फल खाऊंगा आप ताल वन के तो मैं खाऊंगा, राजा मैं हूं, है ना। इस तरह से होता है। तो फिर एक बार राम, बलराम और कृष्ण जो थे, जब उन्होंने देखा कि हमारे जो ग्वाल बाल सखा है सबके अंदर बड़ी अभिलाषा है किसको पाने की, ताल फल को खाने की, तो ऐसा भागवत में वर्णन है, उन्होंने कहा ग्वाल बालों ने, राम राम महाभाहो कृष्ण दुष्टा निर्वाहण इतो अविदूर सुमहत वतम तालाली सुकलम। उन्होंने कहा पास में एक जंगल है जहां ताल वृक्षों से भरा पेड़ है, इस इतो अविदुर सुमत वनम लाल वनम नालाली सुकलम, ऐसा सुंदर वृक्षों का फल वाला वन है, वहां चलना चाहिए हमको। और वराह पुराण में लिखा है ताल वन के बारे में,
अस्ति ताल वन नामा धेनुका सुर रक्षितम् मधुरा पक्षि में भागे आधुरा दे को योजनम। कहते हैं धेनुका सुर जो था वो वहां का रक्षितम् रक्षा करने वाला था। अस्ति तालवन नामा, तो वराह पुराण में भी तालवन का वर्णन है और भागवत पुराण में भी तालवन का वर्णन है। तालवन जो था वो धेनुका सुर द्वारा रक्षित था। और मधुरा पक्षि में भागे, पक्षी भी उस फल के वृक्ष पर बैठ नहीं सकते थे, इतने शक्तिशाली थे कि पकड़ कर जम करके पक्षियों को भी खा जाते थे। आधुर एक योजना, और उन्होंने एक योजना बनाई और सारे के सारे कहां पहुंच गए, तालवन में पहुंच गए कृष्ण और बलराम। जैसे ही उन्होंने तालवन में पहुंचे, बलराम और कृष्ण ने अपनी शक्ति से फलों को, वन जो पेड़ थे वृक्ष आदि को हिलाना शुरू कर दिया जोर जोर से। और पेड़ को हिलाने से क्या होता है, फल सारे जमीन में गिरे और सारे ग्वाल बाल उठा उठा के मजा आ गया, कृष्णा बलराम मजा आ गया, कितना सुंदर ताल फल है, बहुत आनंद का अनुभव कर रहे थे। इतने में क्या हुआ, कौन आ गया, धेनुकासुर। धेनुकासुर रक्षितम्, धेनुकासुर आया और धेनुकासुर ने कहा कि अरे छोटे छोटे बाल तुम कंस से डरते नहीं हो, मैं इतना शक्तिशाली होकर कंस से डरता हूं, तुम छोटे छोटे से बच्चे तुम्हें कंस से डर नहीं लगता, मैं अभी चाहूंगा तो अपनी एक टांग से तुम्हें उछालूंगा तो तुम अपने प्राणों को अभी यहां दान दे दोगे। जब इस तरह से कहा तो कृष्ण और बलराम हंसने लगे इसको मालूम नहीं हम कौन है। तो कृष्ण ने कहा बलराम हो जाए शुरू। तो जैसे ही बलराम ने कहा धेनुकासुर मुझसे लड़ो, तो धेनुकासुर दौड़ता हुआ आ रहा था तो बलराम ने उसको क्या किया, साइड हो गया और वो इधर की तरफ निकल गया। जब वो निकला तो उसके दोनों पीछे वाले पांव को पकड़ कर क्या किया, फेंक दिया, इतना ऊंचा फेंका कई मील ऊपर जाकर के वो ताल वन के वृक्ष के ऊपर ही लटक गया और वहीं पर क्या किया उसने अपने प्राणों की बलि दे दी। जब धेनुकासुर मारा गया तो सभी गधे राक्षस जो थे, असुर तो गधे होते हैं, तो सारे के सारे गधे जो थे असुर वो आए, बोले हम नहीं छोड़ेंगे, हमारे मालिक को मारा है, और सब दौड़कर कृष्ण बलराम की तरफ भागे। लेकिन कृष्ण और बलराम ने क्या किया, वनों के वृक्ष को उठाकर उनके ऊपर फेंका। सोचिए छोटे छोटे 5-6 साल के बच्चे वन के वृक्ष उखाड़ लेते हैं और फेंक देते हैं धेनुकासुर के। तो ज्यादातर भक्त ये प्रश्न पूछते हैं, ठीक है कृष्ण ने द्वापर युग में लीला करी, उसका अभी श्रवण का क्या औचित्य है, उसका फायदा क्या। सही मायने में देखा जाए तो हर एक वन जो है वो हमारे शुद्धिकरण का कार्य करता है। आप जानते हैं कृष्ण के गोलोक वृंदावन धाम ऊपर है और उसका नीचे प्रतिस्वरूप है, ये भी साक्षात है वो भी साक्षात है। यहां पर जो काम करेंगे उसका 100 गुना फल मिलेगा, यहां आलस दिखाएंगे सोएंगे तो उसका 100 गुना फल, यहां पर पाप करेंगे 100 गुना फल, यहाँ पर पति पत्नी सोचेंगे चलो बढ़िया कमरे मिल गए आराम से बैठते हैं बातें करते घूमते फिरते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 100 गुना फल पाप का। और यहाँ बैठ के भजन करेंगे रात को 12 बजे तक नींद नहीं आ रही, बस कीर्तन 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 जप जप जप, वो भी 1 माला 100 माला का फल देगी। इसका मतलब ये नहीं कल 16 ना करे तो भगवान कृष्ण ने कौन बताएगा आपने जीवन में कितने राक्षसों का वध किया। हाँ जी 17 ओके okay. और कोई कौन बनेगा कृष्ण का डिवोटी, माता जी ठीक है लगभग ठीक है थोड़ा और हाँ। अरे आप लोग भक्त नहीं है, पढ़ते नहीं है इसलिए पढ़ जाते हैं। तो भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में 20 राक्षसों का वध किया, 20 बालक अवस्था में 20 राक्षस, धेनुकासुर, अघासुर, रुकासुर, वृत्रासुर, केशी असुर, ऐसे बहुत सारे पूतना वकासुर, ये सारे ऐसे 20 राक्षसों का वध भगवान कृष्ण ने किया। लेकिन सबसे उत्तम बात यह है भगवान कृष्ण गोलोक वृंदावन धाम में असुर का वध, वहां कोई असुर नहीं होता, अगर असुर होगा तो वैकुंठ धाम में थोड़ी होगा, वो असुर सिर्फ इसी निजी धाम में आते हैं। तो इसका मतलब अगर यहाँ आते हैं और वहां नहीं आते इसका मतलब वो लीला नकली है, नहीं, वो लीला के आनंद का अनुभव करने के लिए भगवान ने इस वृंदावन धाम की रचना करी। वहां पर सिर्फ ऐसी अफवाह उड़ती है धेनुकासुर आ गया, पता है कृष्ण ने उसका वध कर दिया, नहीं नहीं हरि बोल खत्म,
कभी लीला प्रकट नहीं होती, क्योंकि वहां कोई असुर लीलाएं नहीं होती, वहां सिर्फ रास और प्रेम लीलाएं होती हैं। लेकिन असुर लीला करने के लिए, बाल लीला करने के लिए भगवान इस वृंदावन धाम की रचना करते हैं। तो ये बहुत ही उत्तम स्थान है। यहाँ पर जब हम जाएंगे देखेंगे टूटी सड़कें हैं, लोग ऐसे ही गांव में रह रहे हैं, लेकिन हमें सोचना चाहिए वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंता मणि धाम रतन मंदिर मनोहारी। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंता मणि धाम रतन मंदिर मनोहारी। वृंदावन कैसा है? रम्य स्थान है, दिव्य चिंता मणि धाम। जो जो चिंता करेंगे यहाँ पूरी हो जाएगी। मन में आएगा ना बड़ा अच्छा फ्लैट है, ऐसा हमारा भी होता फ्लैट, गारंटी है। चिंता मणि धाम है, जो जो चिंता करेंगे। किसी और अंग्रेज भक्त की पत्नी को देखकर कोई बोले अरे मेरी वाली से ये तो अच्छी है, तो बस हो गया हरी बोल। थोड़ा यहाँ पर चिंता भी सोच समझ के, चिंतन सोच समझ के करिएगा जो करेंगे। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम, सोचते ही कोई भी डिजायर, एनी डिजायर, मटेरियल स्पिरिचुअल सारी डिजायर पूरी होती है। इसीलिए भक्त स्पिरिचुअल डिजायर करते हैं और खुश रहते हैं। बहुत ही संसार के लोग वृंदावन आते हैं, मटेरियल डिजायर करते हैं और वो दुखी रहते हैं। सो कारण ही, तो हमें स्पिरिचुअल आध्यात्मिक डिजायर करनी है भगवान से तालवन में। तो ये जो वन भगवान ने बनाए, इन वनों को इसलिए बनाया कि हमारे जो अनर्थ हैं, एक होता है अर्थ। अरे कोई अर्थ की बात करो ना यार, क्या अनर्थ की बात कर। अनर्थ मतलब जो गंदी बात है। हमारे अंदर छह प्रकार के अनर्थ हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। ये छह अनर्थ हैं, और इन्हीं छह अनर्थों के बाद में अनेकों इनके बाय प्रोडक्ट हैं। जैसे तीन इंटू तीन, थ्री इंटू थ्री, मैं क्या बन गया ना। लेकिन थ्री इंटू थ्री से कई प्रकार की प्रोबेबिलिटी होती है, 81 हंड्रेड्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। वन वन से टकराएगा तो एक चीज निकलेगी, वन टू से टकराएगा तो एक, वन थ्री से टकराएगा तो एक, लेकिन कई प्रोबेबिलिटीज उसमें से निकलती है। हाँ, भगवान नहीं आ रहे हैं, एसी है ऊपर से आसमान में सबका। असली लाइट नहीं आ रही ना जीवन में, डार्कनेस है। ओम अज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानञ्जनाशयनम। तो सच्चाई ये है कि जो ये धाम है इसलिए बनाए भगवान ने, लीला करी ताकि जो हमारे अनर्थ हैं ये कटे। तो धेनु का सुर जो राक्षस, तो हमें ये समझने की जरूरत है जिस पे हमने आज तक कभी चर्चा नहीं करी है, प्रथम बार इस पे चर्चा कर रहे हैं। जो ये 20 असुर आते हैं, ये असुर हैं हमारे जीवन में हमारे अनर्थों को प्रतिनिधि करने के लिए, कि ये प्रकार का असुर ये हमारे प्रतिनिधित्व करता है, ऐसा हमारे जीवन में अनर्थ है, और उस धाम में जाने से वो अनर्थ कट जाएगा। तो तालवन में जो असुर रहता है उसका नाम है धेनुकासुर, और वो इस चीज को रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधि करता है इग्नोरेंस ऑफ नॉलेज। जो हमारे अंदर ज्ञान की जगह अज्ञानता है इसका प्रतिनिधित्व करता है। धेनु का असुर इतना अज्ञानी था, उसको यह भी नहीं मालूम था कि कृष्ण कौन है, कौन है माता जी, आप मानते हैं कितना परसेंट? वेरी नाइस, 100% भगवान जो है 100% मानना चाहिए, उसमें 1% की भी कमी नहीं आनी चाहिए, तब जाकर के धेनु का असुर जो है अज्ञानता का प्रतिनिधित्व करता है। हम किन चीजों में अज्ञानी है, तो आचार्यगण बताते हैं हम चार चीजों के अज्ञानी हैं। पहला अज्ञान है हमारे अंदर कि हम ये शरीर हैं। क्या है? शरीर है। हैं कौन हम लोग? आत्मा है। प्रसाद लेने जाएंगे बोलेगा मैं आत्मा प्रसाद। कौन है हम लोग? सोल इन द बॉडी। हम आत्मा हैं जो इस शरीर में रहती है। खाली आत्मा भी नहीं है, खाली शरीर भी नहीं है। तो हमारी सही पहचान है कि हम आत्मा है जो इस शरीर में रहती है। तो पहला चीज कि हम अपने को शरीर मानते हैं, ये अज्ञानता है। आप देखिए जितना भी कष्ट है जीवन में, ये सिर्फ एक ही चीज के कारण है कि हम अपने को शरीर मानते हैं। रात को बोलेंगे कि सोइए मत, कीर्तन में आइए 9 बजे प्रसाद पाने के बाद, अरे प्रभु जी दोपहर में भी नहीं सोने दिया, रात सुबह भी कह रहे 3 बजे उठ जाओ, तो इतना बढ़िया रूम क्यों लिया था पेड़ के नीचे।
तो ये कष्ट क्यों उत्पन्न होता है? क्योंकि हमें लगता है हमें सोना है, लेकिन आत्मा कभी सोती है? नैनम छन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम करो दन्ति आपो नैनम शोषति मारुतः। नैनम छन्दन्ति शस्त्राणि, आत्मा को ना कोई शस्त्र से काट सकता है, नैनम दहति पावक, ना कोई उसे जला सकता है, न चैनम करो दंती आपो, ना उसे कोई गीला कर सकता है, नैनम शोषति मारुत, ना कोई उसे सुखा सकता है। ऐसी आत्मा को सोने की आवश्यकता है? फिर भी हमें सोना चाहिए, सोना भी चाहिए और सोना भी चाहिए, सोना चाहिए। तो इस तरह से ये ज्ञानता है, इसका कारण जितने भी दुख हैं अगर देखें, जिस पल आप अपने को आत्मा मानने लगेंगे ना, जीवन में सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। मेरी पत्नी ने मेरे साथ ऐसा किया, वो कौन है? पत्नी कौन है? आत्मा है। कौन है? वो शरीर है, कह रहे हैं। वो आत्मा है लेकिन एक शरीर में रहती है ना, जिसे मैं पत्नी कहता हूँ। तो पत्नी कौन है, शरीर या आत्मा? शरीर। और क्या? हाँ। आत्मा कैसे पत्नी है? अगर आत्मा पत्नी होती तो फिर उसको तो अलग प्रकार से, आत्मा को तो कभी टच ही नहीं कर पाई, क्योंकि आत्मा तो बाल के अग्रभाग का 10,000 वर्ष है। तो पत्नी कौन है? शरीर। समझ। किसी का कोई गुजर जाता है, बोलते हैं कि हमारे पति गुजर गए, हमारी पत्नी गुजर गई, क्यों बोलते हैं ऐसा? शरीर गुजरता है ना, आत्मा तो कभी गुजरती नहीं है, आत्मा तो दूसरे शरीर प्रवेश कर जाती है। तो ये दुख क्यों है? शरीर के कारण। तो पहला ज्ञानता है वी आर दी बॉडी, हाँ शरीर है, ये अज्ञान है। दूसरा अज्ञान है कि जो भगवान का नाम है इसमें और भगवान में कोई आप में से कितने लोग सच सच झूठा हाथ नहीं खड़ा करिए, वृंदावन धाम में चिंता बने था, सोच के आप में से कितने लोग मानते हैं कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई भेद नहीं है? अगर आप मानते हैं कि कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई भेद नहीं है, तो सही बताइए कि अभी हम कृष्ण नाम बोल रहे हैं और कृष्ण तो है, फिर हम वृंदावन में किसको ढूंढने के लिए जा रहे हैं? बांके बिहारी मंदिर क्यों जाते हैं? अरे प्रभु जी आप इतनी दूर लेके आए, बांके बिहारी मंदिर नहीं लेके गए आप हमको ना, वहां भी नहीं ले गए, हरिदेव मंदिर, गोवर्धन मानसी गंगा नहीं ले गए, संतोषी माता के मंदिर नहीं ले गए आप हमको, प्रेम मंदिर नहीं ले गए, है ना? भगवान को ढूंढते फिर रहे हैं। भगवान कहाँ है? ना कहाँ पे? नाम। तो फिर हम, फिर भी हम क्या करते हैं? ढूंढते फिरते भगवान। तो हमारे धाम में हमारे आने का मकसद भक्तों का भगवान को ढूंढना नहीं है, हमारा तो इसलिए है कि हमें आध्यात्मिक धाम में आकर के भगवान के नाम को अधिक लेने के लिए वातावरण मिलता है, बस। और कोई हमारा प्रयोजन नहीं है। यहाँ अगर लस्सी पीनी है, हमें कचौड़ियां खानी है, हमें गोलगप्पे खाने हैं, ऐसा कोई प्रयोजन लेकर के वृंदावन नहीं आते हैं। जो नाम हम जानते हैं, कृष्ण नाम अभिन्नत नाम, नामिना नाम चिंता मणि चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो भिन्नत नाम नामिनो। ये कैसा है? नाम चिंता मणि और धाम वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंता मणि, वो भी चिंता मणि है और नाम भी चिंता मणि है। मतलब नाम जपते जपते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, एक आंख खोलकर देखा बहुत गर्मी, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम, सामने देखा कोई बड़ा व्यक्ति गाड़ी में बैठा, वो जा रहा है पैदल जा रहा है भक्त वृंदावन में, पता नहीं कौन से आश्रय को ज्वाइन कर ले, नंगे पैर धूप में घुमा रहे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, वो बढ़िया गाड़ी में जा रहा है, चंदन भी लगाया, शीतल एकदम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, गले में चुनिया बंधी हुई है, ये अच्छे हैं, अगली बार बस लो आश्रय चेंज, उस गाड़ी में आप भी घूम रहे हो। संसार दिव्य चिंतामणि धाम और नाम भी चिंतामणि, नाम जपते वक्त जो सोचेंगे वो पूरा होगा, मेरा अनुभव है। मतलब मैं सोचता हूँ कि अरे नाम जपते वक्त मांग लिया तो कुछ अच्छे ही मांग लेते। आज जैसे ही मैं और प्रभु जी, आज ही का उदाहरण है, विवेक प्रभु और मैं जैसे ही एंटर किए स्थान में, इस रूम में, तो हम लोग हरे कृष्णा करते हो, जप करते हो, बात करते हो आ रहे थे, और मैंने कहा कि अरे लेक्चर के लिए कुर्सियां मंगानी पड़ेंगी, कुछ वरिष्ठ भक्त बैठ नहीं पाएंगे नीचे, तो ये बोले ही थे, ये बोले हरे कृष्णा ऐसे करके बैठे, तुरंत खर आवाज आई, यहाँ पर 6 कुर्सियां लग गई यहाँ पर। मैंने कहा आपने यही मांग लिया होता कि भगवान मुझे कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाए, मांगा भी तो कुर्सियां। तो ये क्या है ना, दिव्य धम चिंतामणि धाम और नाम भी चिंतामणि है।
तो ये दूसरी अज्ञानता है, हम सोचते हैं नाम और भगवान में। एक बार कई लोग जप कर रहे थे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, तो सीनियर डिवोटी आए वरिष्ठ भक्त आकर कहते हैं अरे अरे आप लोग S6 में बैठे हो, जीवन में नीचे भगवान दर्शन दे रहे हैं, है ना। तो सब लोग प्रशांत लोगों को क्लास छोड़कर चले गए दर्शन करना। तो बोले अरे ऊपर तो जप करवा रहे थे, दर्शन कर लेते हैं, जप तो पूरा दिन करते रहेंगे, बस में भी करेंगे। नीचे गए तो दूसरे सीनियर डिवोटी खड़े थे, बोले क्या करने आए हो, बोले कि भगवान के दर्शन आपने तो कहा था दर्शन हो रहे हैं। कह रहे जिसको ऊपर दर्शन नहीं है उसको क्या नीचे दर्शन हो। अभिनत नाम नामी ना। नाम में और नामी में कोई भेद नहीं है, तो कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई भेद नहीं। ये ज्ञान अज्ञानता है हमारे जीवन में, देखिए कितना परेशान है हम लोग, तो ये दो अज्ञानता में परेशान है। अगर ये चीजें मान ले कि मैं आत्मा हूँ और नाम और भगवान में कोई भेद नहीं, तो सब कुछ तो मिल गया, मैं कभी मरूंगा नहीं और भगवान मेरे साथ है, हरि बोल और क्या चाहिए आदमी को, पूरा जीवन इसी के लिए लगा देते हैं। तीसरी अज्ञानता जो हमारे जीवन में है कि हम कितनी भी कथाएं सुने, अभी तो भंडार है YouTube के कारण कथाओं का और डिजायर ट्री का, वो भी चिंतामणि ट्री बनाया उन्होंने, खूब लेक्चर पे लेक्चर आ रहे हैं, उसके बाद भी जीवन परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्रभुपाद जी कहते थे भक्ति इज वेरी सिंपल बट इट इज डिफिकल्ट। लोगों ने पूछा मतलब, प्रभुपाद जी ने कहा भक्ति प्रोसेस इज इजी बट इट इम्प्लीमेंटेशन इज डिफिकल्ट। नाम जब करना है सुबह 4 बजे उठ के, बड़ा सिंपल, बड़ा सिंपल। और 4 बजे कौन उठे? प्रसाद खाओ, भगवत धाम जाओ, बड़ा सिंपल। प्रसाद हर जगह मिले कैसे? तो ये सारी चीजें हमें जो है ना, हमारी अज्ञानता है एक्चुअली, तो एप्लीकेशन नहीं है वैष्णव टीचिंग्स का, तो ये असलियत में हमें इस संसार में फंसा करके रखता है। देखिए एक लड़का था MBA किया, उसने MBA करके बॉम्बे में, सच्ची घटना, बोला कि मैंने MBA किया है और भक्तों के साथ रहता था मंदिर में, बोला यहाँ इस्कॉन में तो दीक्षा के लिए बड़ा देर लगाते हैं, है ना, आश्रय करो, मन नहीं कर रहा फिर भी करो, प्रशांत मोहन प्रभु की बातें सुनो, फिर जाकर के महाराज की कृपा होगी तो दीक्षा मिलेगी, प्रभु जी का मूड खराब कर दिया तो हो सकता है एंड में कैंसिल भी कर दें, है ना, मन ना करे बस दीक्षा ले ले तब तक तो आश्रय करो हमसे कहा। तो अब ऐसी स्थिति में उसने सोचा इस कौन से बढ़िया है, मैं जाकर राधा कुंड में, राधा कुंड स्थान है जो कि सबसे, इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे उच्चिष्ट, ये कहते हैं उत्कृष्ट उत्तम स्थान, इसे कहते हैं एपिसेंटर ऑफ द वर्ल्ड, स्थान का केंद्र है राधा कुंड। तो जैसे ही कोई सुनता मन में आता सेंटर उधर ही चलते हैं, बस हो गया जीवन। तो राधा कुंड में जाकर के एक व्यक्ति MBA करके आया और एक बाबा जी से कहा, बाबा जी मुझे दीक्षा दे दीजिए, इस्कॉन वाले तो मुझे समझे नहीं और प्रशांत मोहन प्रभु तो खासकर नहीं समझे, हाँ अज्ञानी पुरुष, पता नहीं किसने उनको भक्त बनाया, हाँ मैं तो दूर लूंगा राधा कुंड से दीक्षा। चला गया राधा कुंड, राधा कुंड गया, बाबा जी को कहा, बाबा जी मुझे दीक्षा दे दीजिए। बाबा जी ने कहा ऐसे कैसे दीक्षा दे दूं, अपना परिचय दो। कहा आपके भाग्य सुधर जाएंगे, MBA किया है मैंने, आपको भी कहने के लिए आसानी होगी मेरे स्टूडेंट्स MBA है। अच्छा ये बात, तो ठीक है एक काम करो, तुम जाओ पूरे वृंदावन में ढूंढो तुम्हें अपने से कोई एक निकृष्ट कोई एक मिल जाए जीव, तो आकर के तुम्हें मैं दीक्षा दे दूंगा। वो दौड़े दौड़े आए, बोला MBA MBA मंदबुद्धि आदमी है, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो मंदबुद्धि आदमी है। MBA किया मैंने, वो मंदबुद्धि आदमी था लेकिन वो सोच रहा था मास्टर्स, मैं मास्टर हूँ। आया और उसने क्या किया, आकर के वृंदावन में बोला अभी जाकर के दिखाऊंगा गुरुजी को मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। आया आकर के प्रसाद खा रहा था तो खाते खाते देखा कि रिक्शे वाले जा रहे, कर ले अनपढ़ गवार रिक्शा चला रहा है, ये हो गया, अभी जाकर बोलूंगा बाबा जी मिल गया एक निकृष्ट और मुझे क्या दे दीजिए दीक्षा। लेकिन उसने ध्यान से जब देखा तो रिक्शे वाला हर कदम पे क्या बोल रहा था, राधे राधे, क्या बोल रहा था, हमारी सांस में निकलता हर सांस से हंसते हैं, ओ माय गॉड, अंग्रेज कुछ लोग होते हैं ओ शिट।
तो राधे राधे बोल रहा था हर एक रिक्शे वाला, हर एक गरीब, हर एक वासी वृंदावन का, हरे ये तो बड़े ही ऊंचे हैं, भगवान का नाम जपते सांस सांस पे, कहा ये नहीं मन से नीचे। कहा कोई बात नहीं, एक और मिलेगा कोई ना कोई। दो चार दिन बाद प्रसाद पाते पाते देखा एक कुत्ता खड़ा है वहां और बोला ओ मुझे भी दो प्रसाद। तो उसने कहा ले प्रसाद, थोड़ा सा उसके बाद खाने नहीं देता है, मुझे को देखे जा रहा है, पूरी प्लेट तुझको दे दूं। उन्होंने उठा करके फिर थोड़ा प्रसाद उसको दिया, प्रसाद खाया तो कहा हाँ मिल गया ना मुझसे नीचे, बोल नहीं सकता, जाति कैसी है इसकी, एक योनी कैसी है कुत्ते की योनी। फिर मन में सोचा मैंने इसको क्या डाला, और जो भी आता होगा ये तो यहीं रहता है, मैं तो दिल्ली जाऊंगा, बॉम्बे जाऊंगा, लंदन जाऊंगा, अमेरिका जाऊंगा, ये जब भी खाएगा क्या खाएगा। कहा जो प्रसाद ही खा रहा है वो तो मुझसे उत्तम है, हाँ हाँ ये तो नीचे नहीं है। अभी तो बड़ी चिंता में महीना गुजर गया, अभी बोला लगता है अब दीक्षा नहीं मिल पाएगी। कहा नहीं नहीं मैं ढूंढ के रहूंगा। तो एक दिन जंगल में अपना स्टूल पास करने गया, पेट साफ करने गया, और ऐसा अरेंजमेंट नहीं था व्रज विलास जैसा जैसा आपको मिला है। तो बेचारा जंगल में गया ऑस्टेरिटी करने के लिए, वहां गया तो उसने देखा कि जहां पर उसने अपने मल का त्याग किया वहीं पर कीड़े घूम रहे हैं। कहा है ये मिल गए ना नीचे चोनी के, कीड़े बने हुए हैं वृंदावन के अंदर, कीड़े बने हुए वृंदावन के अंदर, ये मुझसे नीचे है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं। तभी उसने ध्यान से सोचा कि वो कीड़े क्या कर रहे थे, मल को नहीं खा रहे थे, वो कीड़े व्रज धाम की मिट्टी व्रज रज को खा रहे थे। कहा व्रज रज इतनी इतनी पावरफुल है, द्वापर युग से अगर कुछ यहाँ है विराजमान तो तीन चीजें विशेष विराजमान है, पहली है व्रज रज, दूसरी है यमुना, और तीसरा है गोवर्धन। वो व्रज रज जो 5000 साल से है, और कई भक्तों ने, मंडलपति गोस्वामियों ने यहाँ पर व्रज रज कोई रोटियां बना बना के खाई है। हरी बोल तो कह रहे हो खा पाओगे, बहुत मुश्किल है। यमुना के किनारे की रेती जो होती थी उसको सुखा करके उसके लड्डू बनाकर आंच पे सेक कर उसी को खाते थे। सोचिए ऐसे उन्होंने अपने जीवन को पूरा तपाया था भक्ति में, तब जाके वो गोस्वामी कहलाए। तो उसने देखा व्रज रज खा रहा है तो ये कीड़ा भी मुझसे निकृष्ट नहीं है। बाबा जी के पास गया, हाथ जोड़कर कहा बाबा जी मुझे क्षमा करिए, मैं दीक्षा के योग नहीं हूँ, मुझे लगता था मैं सबसे उत्तम हूँ, पर अब समझ में आया कि मुझसे भले तो रिक्शे वाले, मुझसे भले तो यहाँ गरीब यहाँ से, मुझसे भले तो यहाँ के जानवर, मुझसे भले तो यहाँ के कीड़े भी हैं। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा अब तुम असलियत में एमबीए हो गए हो, मास्टर्स ऑफ भक्ति एकेडमी है ना, अब तुम सही में क्या हो गए हो, एमबीए हो गए हो, अब मैं तुम्हें क्या दूंगा दीक्षा का। तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन है ये नहीं हो पाता, हमको लगता है हमसे उत्तम, बस में ही लड़ जाते हैं भक्त। प्रभु जी जब हम आए थे ना तो हम इस वाली सीट पे बैठे थे, आप पीछे बैठे थे कीर्तन कर रहे थे, अभी प्रभु जी कीर्तन नहीं कर रहे तो आप यहाँ आ गए, ये क्या है मतलब। प्रभु जी बेटा हमारा बच्चा थोड़ा बीमार है, बच्चा बच्चा गया आप जाइए पीछे। प्रभु जी दिस इज रॉन्ग, ये भावना है क्योंकि हमें लगता है मैं श्रेष्ठ। तो ये तीसरे दुख का कारण है। और चौथी अज्ञानता है कि हम कृष्ण भावना भवित को बड़ा ही साधारण सी चीज मानते हैं। पति पत्नी में द्वंद रहता है, हाँ जी इतना भी भक्त बनने की जरूरत है, प्रभु जी जैसे बन गए तो क्या होगा, बाल उड़ा लोगे। किसी के मन में रहता है कि अरे मेरी पत्नी भाग गई तो क्या होगा, खाना कौन बनाएगा, हिंदू मंदिर वाले तो कीर्तन करा करा के भगा ले जाएंगे। तरह से ये जो चार अज्ञानता है इन सब का नाश करने के लिए जब हम इस वृंदावन धाम के तालवन में प्रवेश करेंगे तो कहते हैं ये चार प्रकार के ध्येयों का सुर जो हमारे जीवन में है इनका कृष्ण और बलराम क्या कर देंगे, नाश कर देंगे। बोलो दाऊ जी महाराज की। तो हाँ बलराम विराजमान है वहां पर, बलराम जी की ड्यूटीज है, उनकी दो पत्नी है वारुणी और रेवती। वरुणी जो है वो वरुण महाराज जो है, वरुण समुद्र जिसे जल के देवता जो है वरुण, उनकी पुत्री है वारुणी, जो कि वारुणी एक मादक पदार्थ भी होता है तो वो वारुणी को पीते रहते हैं हमेशा, तो वारुणी उनके हाथ में यहाँ पर रहती है। और साथ में रेवती माता जी, रेवत महाराज की पुत्री, वो भी वहाँ विराजमान है। तो ऐसा जो स्थान है तालवन वहाँ हम अभी चलेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु भी इस तालवन में आए हैं, तो एक बार थोड़ा चैतन्य महाप्रभु के बारे में 10 मिनट चर्चा करेंगे, समय ठीक है तो अब हमें निकलना चाहिए। तो बस चेतन महाप्रभु के बारे में चर्चा करके अब हम चलते हैं 5 मिनट। तो यहाँ लिखा है
मधुवन तल कुमुद बहुलावन गेला ताहा ताहा स्नान करी प्रेमाविष्ट हैला। मधुवन तल कुमुद बहुलावन वेला ताहा ताहा स्नान करी प्रेमाविष्ट हैला। चेतन महाप्रभु ने कहाँ कहाँ गए? मधुवन। तो आज हम कहाँ जा रहे हैं? ताल वन गए, कुमुद वन, उसके आगे एक और वन है जहाँ कमल पुष्प होते हैं, कुमुद वन, और बहुला वन और वन गैला। ये चार वनों में महाप्रभु गए और जहां जहां गए उन्होंने क्या किया? प्रेम अविष्ट हैला, बहुत ही ज्यादा प्रेम अविष्ट हो गए चेतन महाप्रभु। तो इस तरह से चेतन महाप्रभु जब इन वनों में जाते थे तो क्या हो जाते थे? प्रेम अविष्ट, प्रेम में आ जाते थे। इतना ज्यादा प्रेम कि क्या होता था, जैसे ही ताल वन में प्रवेश किया वहां ताल वृक्ष है, मयूरेर कंठ देखी प्रभु कृष्ण स्मृत हैला, प्रेमावेश महाप्रभु भूमि ते पड़ीला। मयूरेर कंठ देखी प्रभु कृष्ण स्मृति हैला, प्रेमावेश महाप्रभु भूमि ते पड़ीला। जैसे ही महाप्रभु ने मयूर को देखा, एक पक्षी मोर को देखा, उसके गले के नीले रंग को देखा, तो लगा क्या ये कौन है? कृष्णा। कौन है? कृष्णा। और देखते ही भूमि ते पड़ीला, भगवान बेहोश होकर के कृष्ण स्मृति होते ही गिर जाते हैं। ऐसा तालवन में कृष्ण स्मृति होनी चाहिए। प्रभु मूर्छित देखी सही ते ब्राह्मण, भट्टाचार्य संग करे प्रभु संतपन। ब्राह्मण चेतन महाप्रभु जब वृंदावन आए 1515 में, तो उनके साथ में एक ब्राह्मण था और उनके एक शिष्य थे भट्टाचार्य। तो बलभद्र भट्टाचार्य और ब्राह्मण भगवान को उठाने लगे, अरे अरे भगवान क्या हुआ, आप भूमि पर गिर गए। अस्ते वस्ते महाप्रभु लज्जा बहिर्वास, जल से करी अंगे वस्त्रे रवातास। उन्होंने तुरंत महाप्रभु के शरीर पर पानी छिड़कना शुरू किया, महाप्रभु महाप्रभु उठिए उठिए। फिर उन्होंने महाप्रभु का बाहरी वस्त्र, जो बाहर वस्त्र था, उससे पंखा करना शुरू किया, लगता है गर्मी के कारण बेहोश हो गए। प्रभु करने कृष्ण नाम कहे उच्च करी, चेतना पाईया प्रभु या न गड़गड़ी। तो बलभद्र भट्टाचार्य ने कहा, देखो ये चेतन महाप्रभु अभी गिर गए, इनको उठाने का एक ही तरीका है, इनके कान में क्या कहो? कृष्णा। तो वैसे ही उन्होंने उनके कान पर क्या कहा? कृष्णा। और जैसे ही महाप्रभु जमीन पे पड़े हुए थे और जैसे ही कृष्ण नाम स्मरण हुआ, तुरंत महाप्रभु जमीन पर क्या करने लगे? चेतना पाईया प्रभु या ना गड़गड़ी। गड़गड़ी मतलब लोटने पलोटने लगे, आ कृष्णा कहाँ है, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, ऐसे करके लोटने लगे चेतन महाप्रभु, पूरा स्वयं भगवान, लेकिन राधा रानी का भाव लेके आए हैं, इसलिए कृष्ण के नाम को सुनते ही भाव विभोर हो जाते थे। कंटक दुर्गम वने अंगे शता हैला, भट्टाचार्य कोला करी प्रभु सुस्त कैला। भट्टाचार्य ने कहा, जब महाप्रभु जमीन पर लेट रहे थे इधर उधर, तो कई प्रकार के कांटे पड़े थे वहां पर, वो कांटे क्या हो गए? महाप्रभु के शरीर में चले गए और उनके जाने से क्या हुआ? पूरे शरीर से खून गिरने लगा। और बलभद्र भट्टाचार्य ने भगवान को गोद में उठा करके ऐसे उठाया जैसे एक बच्चे को उठाते हैं, महाप्रभु शांत हो जाइए, महाप्रभु कृष्ण है कृष्ण है यही है, और उनको शांत किया। भट्टाचार्य से ही विप्र कृष्ण नाम गाए, नाचीते नाचीते पथे प्रभु चली आए। और जैसे ही ब्राह्मण और महाप्रभु ने और बलभद्र भट्टाचार्य ने कृष्ण का नाम गाना शुरू किया, महाप्रभु नाचते नाचते दोबारा से उसी वन में आगे बढ़ने लगे। प्रभुर प्रेमावेश देखी ब्राह्मण विस्मिति, प्रभु रक्षा लागी विग्रह हैला चिंतिति। ब्राह्मण चेतन महाप्रभु के प्रेम वेश और भाव को देखकर विस्मित था, फिर भी महाप्रभु को सुरक्षा प्रदान करने के लिए वो उनके साथ साथ आगे आगे बढ़ने लगा। कहते हैं कि महाप्रभु गंभीरा में रहते थे, नीलांचल स्थान जगन्नाथपुरी में, 18 वर्ष 18 ईयर्स, 24 साल की उम्र में संन्यास लिया, 42 साल की उम्र में संसार को त्याग कर वापस भवधाम चले गए, उसमें से 18 वर्ष जगन्नाथपुरी में रहे। कहते हैं, नीलांचल छीला ये छे प्रेमावेश मना, वृंदावन याइते पति हेला शत गुणा।
चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ पुरी में जब रहते थे उनके मन में भगवान के लिए बहुत प्रेम होता था, लेकिन वृंदावन आते पथे जैसे ही वृंदावन आए हैले शत गुणा 100 गुणा बढ़ जाता था महाप्रभु का प्रेम, क्योंकि कृष्ण वृंदावन में रहते हैं, है ना। तो इस तरह से सहस्त्र गुण प्रेम बड़ी मथुरा दर्शन, और जब मथुरा का दर्शन करते थे तो वो प्रेम 1000 गुना बढ़ जाता था। और लक्ष्य गुण प्रेम बड़े भ्रमिते यभवन, और जब तालवन में घुसते तो क्या हो गया, वो 1,00,000 गुना बढ़ गया प्रेम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सहस्त्र गुणा प्रेम बड़े मथुरा दर्शने, लक्ष्य गुणा प्रेम बड़े भ्रमण ये भवने। इन वनों में घूमकर 1,00,000 गुना प्रेम बढ़ जाता था। तो इन वन में जाना कोई ऐसा नहीं है, अरे कहाँ जंगलों में ले आए प्रभु जी, वृंदावन में ले जाते, यहाँ तो रास्ता भी टूटा हुआ है। लेकिन यहाँ प्रेम 100 गुना नहीं 1,00,000 गुना बढ़ जाता है। तो कृष्ण प्रेम बढ़ाने का स्थान और अपनी अज्ञानता को दूर करने का स्थान है तालवन और मधुवन।